आज देश में जो हालात बन रहे हैं वो महिला सुरक्षा के सभी दावों की जमकर पोल खोल रहे हैं जो बीजेपी की सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए थे। दरअसल देश में मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला यूपी के शामली से सामने आया है जहां एक 17 साल की बहुजन लड़की के साथ तीन लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिवार के एक सदस्य की शिकायत के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया तो लड़की घर में अकेली थी, जिसका फायदा उठाकर उन तीनों लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद बहुजन बेटी की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की का शव पंखे पर लटका मिला। ऐसे में सवाल यह है कि मासूम बच्चियों के साथ गैंगरेप रेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ ये कहकर बच जाती है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। आखिर क्यों पुलिस का डर खौफ ऐसे नीच लोगों के जहन से खत्म हो गया है कि पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, अगर पकड़ भी लिया जाए तो या तो सिर्फ उसके ऊपर एक ऐसे नेता का हाथ होगा जो सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर वह छूट जाएगा, या फिर किसी ऐसे रईसजादे का बेटा होगा वो जो पैसे की आड़ में अपने ऊपर चल रही फाइल को किसी गड्ढे में दफन करवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।